पंजाब और हरियाणा में खालिस्तानी जो है खालिस्तानी एक्टिविटियाँ बहुत अंदर तक जड़ बना चुकी है। इसलिए ये लोग मतलब पंजाब और हरियाणा के लोग खालिस्तानी एक्टिविटी को अंजाम देने के लिए किसान के कंधे पर अपना बंदूक चलाने का काम कर रहे हैं। हमने इंदिरा देखी, मोदी क्या चीज है, किसान नेता क्या कहेगा, प्रधानमंत्री मारने की बात करेगा, आप बताइए कभी कोई किसान कहेगा क्या कि हम प्रधानमंत्री को मारेंगे? जो लोग आज इनके साथ दिल्ली में आंदोलन करवा रहे हैं ना, जो लोग इनको समर्थन कर रहे हैं ना, पंजाब में इन्होंने दौड़ा के मारा था, दौड़ा के मारा था ना पंजाब गवर्नमेंट ने, तब तो इन विपक्ष को याद नहीं आ रहा था क्या कि केजरीवाल हो या राहुल गांधी हो कि किस तरीके से मारा जा रहा है। आज उनको दिल्ली पे याद आ गया क्योंकि दिल्ली में इनको अराजकता का माहौल फैलाना है। किस तरह से किसान आंदोलन अब आक्रामक रूप लेता जा रहा, आप इसको किस तरह से देखती हैं? सबसे पहले तो ये किसान आंदोलन है ही नहीं, क्योंकि कोई भी किसान इतना फ्री टाइम उसके पास नहीं है कि वो जैसे भी लेके दिल्ली की तरफ मूव करे, नए नए ट्रैक्टर लेके दिल्ली की तरफ जाके आतंक मचाए। इसलिए जब ये किसान आंदोलन है ही नहीं तो जय जवान जय किसान वाली बात ही नहीं आई। जय जवान जय किसान वाला नारा आज भी सुरक्षित है। उस नारा में एक और वर्ड अटल बिहारी वाजपेयी ने जोड़ा था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। ये तीनों ही नारा पूरी दुनिया में आज भी भारत अपना गुंजवा रहा है, आज भी गूंज रही है ये हमारे देश की वादियों में। इसलिए ये कहना मूर्खता होगा कि हम जवान और किसान आमने सामने है, यहाँ पे देशद्रोही और जवान आमने सामने है, ये लोग किसान नहीं है। कैसे कह सकती हैं? वो तो यही कह रहे हैं कि हम किसान हैं, और क्या हम अपने ट्रैक्टर को लेकर नहीं आएंगे, हम अपने जेसीबी को लेकर नहीं आएंगे, तो क्या हम हवाई जहाज से ऊपर से आएंगे? और आप कह रही हैं कि वो किसान नहीं है। अभी मार्च में गेहूं का फसल कटना है, मार्च अप्रैल के बीच में सारे किसान सिंसियर होके खेत में लगे हुए हैं। अच्छा। जिनका फसल कटना है, मेरे पापा खुद किसान है, हम लोग देख रहे हैं। मेरे पापा का अभी ऑपरेशन होना था पारस हॉस्पिटल में, उनके पैर में स्टील लगा हुआ था, इसलिए उन्होंने ऑपरेशन को डिले कर दिया कि उनको अभी फसल की चिंता थी। एक बात समझिए कि जो मेडिकल इंजरी को भी डिले कर रहा है तो वो मतलब उसके पास इतना टाइम होगा कि वो दिल्ली में चढ़े। अच्छा। और ये कैसे किसान है कि इनका इनका जो है पूरा का पूरा मतलब समर्थक जो है देशद्रोही है, मियां खलीफा इनके लिए बोल रही है, इनके लिए सारे देशद्रोही लोग बोल रहे हैं। अच्छा। इनके लिए सिंपैथी पूरा जो हमारा शत्रु राष्ट्र है वो इनके लिए सिंपैथी रख रहा है। किसान वो लोग हैं जो सच में अपना काम कर रहे हैं, और किसान का बेटा जो है ना बॉर्डर पे खड़ा होकर किसान मतलब राष्ट्र के लिए पूरा का पूरा पहरा दे रहा है। तो किसान सबसे ज्यादा मिट्टी से जुड़ा होता है, किसान कभी भी एंटी नेशनलिस्ट काम नहीं करेगा। और ये लोग किसान नहीं है, इसलिए देशद्रोही गतिविधियों को कंटिन्यू ये लोग किए जा रहे हैं। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि जो कांग्रेस के नेता हैं खैरा जी, वो तो कह रहे हैं कि बेचारे किसान, निहत्थे किसान पर मोदी जी जुल्म ढा रहे हैं, बीजेपी जुल्म ढा रही है। और आप कह रहे हैं जब राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहे थे, तब ये सारे सो कॉल्ड किसान के समर्थक किसान के भगवान कहाँ चले गए थे? तब तो उनको किसान नहीं दिखा। ये लोग सारे के सारे विपक्ष और जो राष्ट्रद्रोही लोग हैं, ये लोग सारे के सारे किसान के कंधे पर रखकर बस बंदूक चलाने की कोशिश करें, क्योंकि इस देश में किसान की आबादी सबसे ज्यादा है। आज भी भारत कृषि प्रधान देश कहलाता है, इसलिए किसान की भावनाओं को सामने रख के किसान के कंधे पर बंदूक ये लोग चलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन किसान तो यही कह रहे हैं ना कि अगर हम MSP मांग रहे हैं, हम अपनी मांगों को ही तो रख रहे हैं, तो क्यों नहीं मांग रही है, मान रही है सरकार, दे देगी MSP तो क्या हो जाएगा? एक बात बताइए, एक बिल को ड्राफ्ट करने के लिए देश का टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स बैठता है, वो एक मास को देखते हुए बिल को बनाता है। और देश में फिलहाल अभी राष्ट्रवादी सरकार है, इससे तो उससे तो कोई भी फालतू चूक हो ही नहीं सकती है। ऐसे सिचुएशन में किसान एक तो देख रहे हैं किसान आंदोलन वाले, हर घंटा उनका मांग चेंज हो जाता है। अच्छा। अभी देखिए जो जिन लोगों ने जिन मतलब टेररिस्टों ने ठीक है संसद भवन पर हमला किया था, ये लोग उसकी रिहाई की मांग करने लगे, ये किसान नेता मांग करेगा? किसान मांग करेगा कभी कि टेररिस्ट को तुम उसको रिहा करो, उस पर चार्जशीट वापस करो? कभी नहीं करेगा, क्योंकि किसान सबसे ज्यादा मिट्टी से जुड़ा रहता है। कभी भी वो देश विरोधी गतिविधि को, मैं बार बार कर रही हूँ, कभी भी देश विरोधी गतिविधि को वो समर्थन नहीं करेगा। तो ये लोग कैसे किसान नेता है बताइए? लेकिन किसान का तो अपना हक है ना, सभी तो जो है प्रोटेस्ट करने। पंजाब और हरियाणा में एक खाली किसान है देश में, जगह किसान है, फिर पंजाब हरियाणा को ही क्यों बहुत ज्यादा मतलब वहाँ पे सबसे ज्यादा किसान आंदोलन की देखी जाए तो नौटंकी शुरू हो गई है। वो किसान तो यही कह रहे हैं ना कि देश के किसान जो हैं वो लोग नहीं आ रहे हैं, तो हम भी तो किसान हैं, हम सभी किसान के लिए मांग कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि पंजाब और हरियाणा में खालिस्तानी जो है खालिस्तानी एक्टिविटियाँ बहुत अंदर तक जड़ बना चुकी है। इसलिए ये लोग मतलब पंजाब और हरियाणा के लोग खालिस्तानी एक्टिविटी को अंजाम देने के लिए किसान के कंधे पर अपना बंदूक चलाने का काम कर रहे हैं। अगर किसान देखा जाए तो अगर किसान को प्रॉब्लम होती तो देश भर के किसान उठ के आते ना। अच्छा। दिल्ली की सीमा से सटे हुए और भी तो राज्य, उसका एक भी किसान नहीं आया। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, किसान नेता NRC CA पर विरोध करने लगा, किसान नेता जो है जो संसद भवन पर अटैक किया उसकी रिहाई का मांग करने लगा, किसान नेता
ये किसान नेता ये कौन कौन लोग हैं, ये लोग खुद समझिए ना आमने सामने, ये लोग किसान नेता कैसे हो सकते हैं? हाँ। किसान नेता हम लोग कोई भी प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है, प्रोटेस्ट का एक दायरा होता है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं तो एक दायरा होता है, उधर मतलब उस दायरे के खिलाफ ना तो हम जा सकते हैं ना सामने वाला जा सकता है, ठीक है। हाँ। जो प्रशासन खड़ी होती है वो भी नहीं जा सकते। ये लोग कैसे किसान हैं कि ये लोग कह रहे हैं क्या कि जो भी होगा हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है, जैसे भी लगा के पुलिस को कुचलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, एकदम दौड़ाए जा रहे हैं, तलवार लहरा रही है, ये सब कभी, एक बात बताइए, कभी भी जो जो शांति से अपनी मांग रखने आएगा इस तरीके की एक्टिविटी को अंजाम देगा? नहीं देगा। लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा भी तो जुल्म ढाया जा रहा है ना, रोड में कीले डाल दी गई है, उन पर आंसू गैस दागे जा रहे हैं, क्या कहेंगी? एक साल पहले भी यही ड्रामा चल रहा था, क्या हुआ था? इन लोगों ने कंटिन्यू क्या ड्रामा पूरा का पूरा क्रिएट किया था ना। और जो रोकने की कोशिश की गई थी ना सरकार के द्वारा, ऐसे टेररिस्टों को कैसे दिल्ली में आने दिया जाए? दिल्ली भारत की राजधानी है, आप बताइए ना, इनकी मांग अगर इनकी जेन्यून होती सरकार बात करती ना। हाँ। सरकार जो मांग जेन्यून थी सरकार ने बात करने के लिए बुलाया भी था। हाँ। लेकिन इन्होंने हर घंटे अपना पैतरा बदलना शुरू कर दिया। हाँ। तो ऐसे में कौन कैसे इसे बात किया जाएगा, आप बताइए ना। देश विरोधी लोगों से अगर आप गवर्नमेंट में होती कैसे बात करती? लेकिन वो तो यही कह रहे हैं ना कि एक लाइन में बोला जाए तो ये लोग देशद्रोही हैं। हाँ। इनके जैसा देशद्रोहियों जैसा ही व्यवहार किया जाए तभी ये लोग पीछे हटेंगे। हाँ। और सरकार को करना ही चाहिए देशद्रोही जैसा व्यवहार, ताकि देशद्रोहियों को समझ में आए कि वो अगर मतलब देशद्रोही जैसा एक्टिविटी दिल्ली की बॉर्डर पे आके करेंगे या भारत के किसी भी क्षेत्र पे करेंगे तो उनके साथ ऐसा ही वार्तालाप होगा। अच्छा, आप ये सब कह रही हैं लेकिन वो कह रहे हैं कि हम तो दिल्ली आने की बस बात कह रहे हैं, हम चाहते कि हम दिल्ली कूच करें, दिल्ली आए और धरना प्रदर्शन करें, सरकार हमारी बात सुने। इन लोगों ने एक नारा दिया था, ठीक है, जब ये धरने पे बैठे थे, हमने इंदिरा देखी, मोदी क्या चीज़ है, किसान नेता क्या कहेगा, प्रधानमंत्री मारने की बात करेगा, आप बताइए कभी कोई किसान कहेगा क्या कि हम प्रधानमंत्री को मारेंगे? नहीं कहेगा। ये लोग जो प्रधानमंत्री मारने की बात कर रहे थे, ये लोग कैसे कैसे ये लोग किसान हुए? खालिस्तानी है। लेकिन मैडम वो ये भी तो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जो हैं सारे मुद्दों पे बात करते हैं, राम मंदिर बनवा दिया जो उन्होंने, प्रधानमंत्री किसान पे भी ऑलरेडी काम कर चुके हैं। आज के डेट में हर किसान को एक मतलब 2000-3000 के आसपास भेजा जा रहा है, ठीक है, इसके साथ ही बहुत सारे स्टेट में देखा जाए तो मतलब यूरिया का जिस तरीके से शॉर्टेज हो रहा था, उसकी कालाबाजारी जिस तरीके से चल रही थी, उन सब पर काम किया गया। एक चीज़ बता रही हूँ मैं, एक और बात, ठीक है, मेरे पापा पैक्स प्रेसिडेंट है पंचायत लेवल पे, ठीक है, वो कई टर्म से बन के आ रहे हैं, हम लोग कंटिन्यू देख रहे हैं ना सरकार किस तरीके से नई नई योजनाएं किसान के लिए ला रही है। आप बार बार एक सबसे मतलब कहिएगा तो एकदम बोर्ड लाइन में सवाल ये है कि और स्टेट के किसान कहाँ चले गए, और ये लोग आज इनके साथ दिल्ली में आंदोलन करवा रहे हैं ना, जो लोग इनको समर्थन कर रहे हैं ना, पंजाब में इन्होंने दौड़ा के मारा था। अच्छा। दौड़ा के मारा था ना पंजाब गवर्नमेंट ने, तब तो इन विपक्ष को याद नहीं आ रहा था क्या कि केजरीवाल हो या राहुल गांधी हो कि किस तरीके से मारा जा रहा है। आज उनको दिल्ली पे याद आ गया, क्योंकि दिल्ली में इनको अराजकता का माहौल फैलाना है, इसलिए दिल्ली पे इनको याद आ गया। लेकिन किसान तो ये क्या, पिछले 10 साल से ना देश में एक भी दंगा नहीं हुआ, पिछले 10 साल से कोई टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, इन देशद्रोहियों को लगी पड़ी है, इसलिए किसी भी तरीके से ये लोग चाहते हैं क्या कि देश में अराजकता का माहौल बनाया जाए। तो अब इनके पास दो टॉपिक है, एक तरफ उधर सो कॉल्ड युवा नेता युवाओं को लेकर न्याय यात्रा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये सो कॉल्ड किसान जो देशद्रोही हैं ये लोग अराजकता को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, देखिए आप ये सब कह रही हैं लेकिन अब तो राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि अगर मैं आ गया सत्ता में, मैं बन गया प्रधानमंत्री, तो किसानों को वो सीधे तौर पर खुलेआम कह रहे हैं कि हम आपकी सारी बातों को, सारी मांगों को मान लेंगे। क्या कहेंगे? पहले तो वो कभी ना प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, ना कभी सत्ता में आएंगे। अच्छा, पहली बात, क्योंकि जो आलू से सोना निकाल दे वो किस तरीके का किसान का नेता होगा, बताइए ना। राजकुमार, एक राजकुमार जो राजकुमार की तरह जन्म लिया, राजकुमार की तरह पला बढ़ा, वो किसान में उनसे सिर्फ भारत की ऋतुओं का नाम पूछा जाए नहीं बता पाएंगे। इसी ही राहुल गांधी लंदन में जाके इन्होंने कहा था ना कि भारत एक स्टेट है, ये जिसको ये नहीं पता कि भारत एक स्वतंत्र देश है, भारत को राज्य बताता है, वो किस तरीके से, हाँ, वो किस तरीके से कैसा विपक्ष का नेता है। लेकिन मैडम आप तो फुल कॉन्फिडेंस में वो कह रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, वो साफ साफ कह रहे हैं कि मेरे पीछे युवा है, अब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। अभी एक खबर आई है, कल से वो खबर वायरल हो रही है कि राहुल गांधी न्याय यात्रा को बीच में छोड़ के विदेश जा रहे हैं, आप बताइए क्या गए होंगे घूमने के लिए, उनको भी हक है मैडम। आप बड़े देश के बड़े लोग हैं, वो किसान नहीं है, देश के बहुत बड़े लोग हैं, इनको किसान से, इनको बस आलू से सोना निकालना आता है और बड़ी बड़ी बातें करनी आती है, बस ये बड़ी बड़ी बातें ही कर सकते हैं। इनको खुद का जो इन्होंने मतलब पूरा चूड़ों का जमावड़ा बना रखा है ना, बस उस जमावड़ा को बचाने की ये लोग न्याय यात्रा या किसान आंदोलन इस सब के नाम पर कोशिश कर रहे हैं। और इन
जो लोग देखे ना, जो विपक्ष वाले जो दिल्ली में समर्थन कर रहे हैं, वो अपने स्टेट में किसानों को दौड़ा के मार रहे हैं। अपने स्टेट में उन्होंने किसानों को लेके कोई योजनाएं नहीं बनाई। अच्छा एक बात बताइए, अभी लोकसभा 2024 इलेक्शन आने वाला है, हर स्टेट में अपनी अपनी तैयारियां चल रही है, क्या लगता है किसान आंदोलन इस 2024 इलेक्शन पर क्या प्रभाव डाल सकती है? जब किसान आंदोलन दूसरी बार हो गया, अदर स्टेट के किसानों के कान पे जू तक नहीं रहेंगी, तो इन पे क्या खाक प्रभाव डालेगी? सबको पता है कि देशद्रोही है, मार खा के वापस जाएंगे, इसके अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन किसान तो यही कह रहे हैं, भाई हम नहीं उठेंगे चाहे साल भर बैठना पड़े। हाँ, तो फिर सरकार भी मूड में है कि देशद्रोहियों को सबक सिखा के रहेगी और उनको उठना ही पड़ेगा। लास्ट ईयर भी उठे थे ना, इस बार फिर से उठेंगे।